राजनीति का खेल खेल रहे हैं। ऐसा काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें कटकी करने की जगह नहीं होती है, मलाई खाने का मौका नहीं होता है। मेरे परिवारजनों, जनता को अपने हक के लिए भी कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों के पीछे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। कांग्रेस की ये मनमानी अब राजस्थान की धरती पर नहीं चलेगी। लाभार्थी का जो हक है वो सीधा मिले, वो पूरा मिले, ये भाजपा सरकार सुनिश्चित करती है। भाजपा सरकार ने बीते 9 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट से लाखों करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि आज सीधे किसान के बैंक खाते में आती है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई कमीशन नहीं, किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं। मोदी का मॉडल ही यही है, हर लाभार्थी तक सीधा लाभ। इसलिए राजस्थान को भरोसा है कि भाजपा आएगी, बेईमानी जाएगी। मेरे परिवारजनों, जो कांग्रेस सरकार जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसको हटाना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए, जो उदयपुर में हुआ वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? जिस राजस्थान ने दुश्मन पर भी धोखे से वार न करने की परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। राजस्थान की वीर धरा की कैसी छवि कांग्रेस ने दुनिया के सामने प्रस्तुत की है? कोई भी तीज त्योहार राजस्थान में शांति से मना पाना संभव नहीं है। कब दंगे भड़क जाए, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। सामान्य जन को जीवन की चिंता, व्यापारी को व्यापार की चिंता और कामगार को काम की चिंता, ये माहौल कांग्रेस ने राजस्थान में बना दिया है। इस विकास विरोधी माहौल को बदलना ही होगा। दंगाई हो, अपराधी हो, उसे भाजपा सरकार ही ठीक कर सकती है और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। मेरे परिवारजनों, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देश में कहीं भी बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को देखता हूं, उसके बारे में सुनता हूं। लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार ने बेटियों से अन्याय की परंपरा ही बना दी है। यहां बाड़मेर में दलित महिला से दुष्कर्म कर उस पर एसिड डाल दिया जाता है, सूरतगढ़ में महिला की हत्या कर शव रोड पर फेंक दिया जाता है, भीलवाड़ा में गैंग रेप के बाद बच्ची को भट्टी में जला दिया जाता है और जम्बारामगढ़ में महिला को जिंदा जला दिया जाता है। इसलिए ही आज राजस्थान की माताएं बहनें बेटियां कह रही है, भाजपा को लाना ही है, उनको भरोसा है
भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। मेरे परिवारजनों, मेरी माताएं, बहनें, बेटियां भी जानती है कि मोदी उनको दी हुई हर गारंटी पूरा कर रहा है। बीते 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने ही बेटियों के लिए सैनिक स्कूलों के, सेना के अग्रिम मोर्चे में तैनाती के दरवाजे खोल दिए हैं। केंद्रीय पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या दोगुनी की जा चुकी है। देश भर में पुलिस सिस्टम में 33% महिलाओं की भर्ती को भाजपा सरकार प्रोत्साहित कर रही है। अब लोकसभा और विधानसभा में भी 33% सीटों में बहनों को आरक्षण की गारंटी मोदी ने पूरी की है। कांग्रेस कितने दशकों से आरक्षण के नाम पर बहनों से वोट मांगती रही, आपसे वोट मांगती थी और संसद में अपने साथियों से बिल को फड़वाती भी थी। ये तो मोदी है और आपका मोदी पर आशीर्वाद है जो इस बार इनको समर्थन करना पड़ा, वरना इनकी मानसिकता क्या है ये आप देख ही रहे हैं। कांग्रेस के गमंडिया गठबंधन के नेता महिलाओं को लेकर कैसी कैसी अपमानित करने वाली बातें कर रहे हैं, ये आए दिन हम देख रहे हैं। ये इस कानून से बहुत नाराज है, ये चाहते ही नहीं कि महिलाओं को उनका हक मिले, इसलिए बहाने बना रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। मेवाड़ की राजस्थान की युवा बेटियों को अपने वोट से कांग्रेस की साजिश का जवाब देना है। आपको अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों को भी कांग्रेस की साजिश के बारे में बताना है। मेरे परिवारजनों, मेवाड़ का ये पूरा क्षेत्र असीम संभावनाओं का क्षेत्र है। हमारे सीपी जोशी जी तो इसी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। वे मेवाड़ के राजस्थान के विकास से जुड़े हर मुद्दे को दिल्ली में जोर शोर से उठाते हैं। आज भी चित्तौड़गढ़ में 7,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज पाली हनुमानगढ़ पाइपलाइन का लोकार्पण किया गया है। इस राजस्थान में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार